एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द सेट साक्षीधन जल और मैं आई हूँ चौकी धानी वो भी जयपुर की. सो लेट्स जस्ट डू सम एस्थेटिकल वेलकम तुम्हें लगवाओगे लग गया. सो गाइस अगर आप यहाँ आ रहे हो तो 900 पर पर्सन की टिकट कॉस्टिंग है अगर आप नॉर्मल टिकट ले रहे हो इंक्लूडिंग GST. इनफैक्ट अगर आप आ रहे हो एंड यू डोंट वांट राजस्थानी थाली यू वांट टू हैव मल्टी क्यूजीन सो दे हैव द विजिटिंग चार्जेस प्लस खाना इंक्लूड है उसमें विच एक्चुअली कॉस्ट यू अराउंड 1200 फॉर अडल्ट एंड प्लस मतलब चिल्ड्रन के चार्जेस यहाँ लगे. आप इनके एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन के लिए आप नीचे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे एंड मस्ट विजिट प्लेस हल्दी घाटी. पहले हल्दी घाटी बट दिस इज ऑल पेड ये टिकट में इंक्लूड नहीं है. यहाँ से किला ग्राम की एंट्री है. हम जा रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ और ये एंटर करते हैं हम हल्दी घाटी. हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा. और पता है अगर आप दिन के वक्त आओ पूरा येल्लो है. तो गाइस यहाँ की गौशाला है तो अगर आप यहाँ पे गोदान भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. सो गाइस आप यहाँ पे बुलक कार्ड और घोड़ा गाड़ी नहीं है ये घोड़ा है ना वो राधे घोड़ा पर ये घोड़ा नहीं है उसके पीछे हम घुसने जा रहे हैं एक और गुफा के अंदर. ये तीसरी गुफा है पहली हल्दी घाटी फिर थी हमारी काली घाटी अभी खाली गुफाएं कौन है हमने गुफाएं बनाई हुई उन्होंने यहाँ सीढ़ियाँ भी है देखी मैंने यहाँ पर भी सीढ़ियाँ. अब हम जा रहे हैं थाली सेंटर जहाँ पे मिलती है राजस्थानी प्योर थाली. तो अगर आप यहाँ एंटर हो गए तो यहाँ पे मतलब जैसे एंशियंट टाइम में कलाकारी होती थी ना दीवारों पे जब हम घरों के अंदर एंटर करते थे तो उस तरह से कलाकारी हो रखी है. सो अभी हमें सर्व हुई है सैलड चटनियाँ. बताओ लाल वाली चटनी किसकी है जल्दी बताओ लाल वाली चटनी किसकी है. हाँ ये अचार है बीन्स का ये चूरमा है और ये मक्खन है ये अगेन अचार है ये एक लहसुन की है और एक मैगी का पेस्ट ये लहसुन है. पाली पकौड़ी लियो अली लियो लियो सा डाल लो जी और कड़ी लो कड़ी मेथी लहसुन कड़ी लो मक्खन प्याज. आई गेस मेरी थाली पूरी भर चुकी है एंड नाउ आई स्टार्ट ईटिंग. मक्खन लगाओ बटर लगाओ मक्खन लगाओ और मक्के की रोटी ऑल्सो और उसके अलावा दिस इज दाल बाटी चूरमा वाला एंड दिस इज गोना टेक टाइम टू ईट. रमन तुम खा लोगे डर लग रहा है देख तुम. हाँ खा लोगे क्या बोलो तुम इतना सारा खाना देख के पेट भर गया. ये मैंने देखा है देसी घी है और उसके अंदर शक्कर डली है और क्या है बाजरे की खिचड़ी. वो बाद में आखिरी में आके वो मीठा हो गया ना मीठा आखिरी में खा. मैं भर चुकी हूँ और मेरी आधी थाली भी खाली हुई है. बादाम का हलवा आई थिंक आई मोस्टली लाइक सैलड ओनली. तो रमन अभी तुमने कुछ भी नहीं खाया. देर तो ज्यादा खा चुका नहीं पर तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए. It's time to say goodbye to this place.
और अगर आप यहाँ पे भी आए नहीं हो तो इट्स वर्थ विजिटिंग. हाउ वाज योर फूड? बहुत अच्छा था, मजा आ गया. और जगह कैसी लगी? इट वाज फैबुलस. अभी यहीं खड़े हो तो हम जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से अच्छा हम चलते हैं. जब हम एंटर हुआ था ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई थी. माय गॉड. वेल, आई एम गोना सी यू लेटर विद अ न्यू ब्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. होप यू लाइक द प्लेस एंड होप यू विल विजिट.